नमस्कार, आप सभी का आज इस इनोवेशन की चर्चा में स्वागत है। आखिर ये इनोवेशन है क्या? चलिए आप और मैं मिलकर जानते हैं आखिर इनोवेशन होता क्या है। सारी दुनिया आज इनोवेशन 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 की बात कर रही है। इनोवेशन हैज बिकम ए बज वर्ड। जहाँ किसी को कुछ नहीं समझ आता वो इनोवेशन वर्ड को इस्तेमाल कर लेता है। कोई कहता है इनोवेशन मेरी लाइफ है, इनोवेशन एक माइंडसेट है, इनोवेशन हमारी ज़िंदगी है, इनोवेशन हमारे कंपनी को आगे बढ़ाने का जरिया है। तो चलिए समझते हैं आखिर ये इनोवेशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। अलीशर बिहार से क्लास 12 का एक स्टूडेंट है। वो एक दिन अपनी ग्रैंड मदर के साथ गांव में कहीं जा रहा था, उन्हें टॉर्च दिखाते खुद गड्ढे में गिर गया क्योंकि उसे दिखाई नहीं दिया। एंड देन ही रियलाइज कि टॉर्च, जब आप नॉर्मल टॉर्च चलाते हैं तो आप सामने तो देख पा रहे हैं पर आपको नीचे नहीं दिखाई देता है। उसने सोचा कि अगर टॉर्च के नीचे अगर एक छोटा सा बल्ब लगा दिया जाए तो आपको नीचे का पैर भी दिखाई देगा और जो आपके पीछे चल रहा है उसे भी दिखाई देगा। एंड दैट वॉज अ यूरेका मोमेंट फॉर हिम। प्रॉब्लम को देखा, फेस किया और छोटी सी प्रॉब्लम से एक नए प्रोडक्ट को ईजाद किया। ये देखिए, क्या देख पा रहे हैं आप? हम अक्सर अपने पर्स को खो देते हैं, पता नहीं होता है कहाँ है। अगर उसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया जाए और स्मार्ट वॉच से कनेक्ट कर दिया जाए उसे कभी भी ट्रैक किया जा सकता है। सोचिए, आज एक स्कूल के बच्चे ने, क्लास 8 के बच्चे ने या 9 के बच्चे ने ये चीज़ समझी और एक प्रोडक्ट को ईजाद किया। ये तो बहुत ही अमेजिंग है। हम सबकी लाइफ का हिस्सा है। रोज हमारे वायर उलझ जाते हैं और आज हम सबके पास इतने तरीके के वायर्स होते हैं। जस्ट इमेजिन अगर हम वायर्स के कलर्स चेंज कर दें, लाइफ कैन बी सो सिंपल, राइट? एक छोटे से आर्मी पब्लिक स्कूल के उत्तर प्रदेश के बच्चे ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। कार में हम अक्सर अपनी चाबी भूल जाते हैं और एक सिस्टम डेवलप किया जिसके थ्रू आपको चाबी गाड़ी में रह जाने से आपको कॉल आएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी चाबी वहीं रह गई है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व की। अगर आप देखेंगे ये चारों आइडियाज़ जो मैंने बताए बहुत छोटी सी इनोवेशंस हैं पर बच्चों ने उस पर काम किया और ये समझने की कोशिश की कि प्रॉब्लम क्या है। आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड थिंक अबाउट अ सोल्यूशन एंड दैट वॉज द ईजिएस्ट थिंग दैट दे हैव डन। And these products can change the life of thousands of people. क्योंकि ये problems रोजमर्रा की problems हैं जो हमारे चारों तरफ दिन रात होती रहती हैं। तो देखा आपने, ये बच्चे कितने क्रिएटिव थे। They were so creative that they wanted to create something of value. वो किसी problem को solve करना चाहते थे and they wanted to bring change in the world. And I think that's innovation. इंडिया में हम स्कूल्स को शायद ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इनोवेशन नहीं समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि स्कूल के बच्चे हैं, अभी उन्हें कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। बट आई थिंक आज की जनरेशन उससे कहीं ऊपर आ गई है। दे कंसिडर मशीन्स ओवर बुक्स, दे कंसिडर आइडियाज ओवर वर्ड्स। और आज हमें इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मिले हुए हैं। वी हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक AICT ने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, अटल टिंकरिंग लैब्स, इतनी सारी हैकथन्स हो रही हैं वेयर देर आर प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स मिलके चेंज ला सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो खुद ही कह रहे हैं इंडिया कैन बी एन इनोवेशन हब और हमारे पास यंगेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया कैन बी सुपर पावर ऑफ स्टार्टअप्स। आज इंडिया को आपके ही जैसे, इन्हीं बच्चों के जैसे किसी राहुल, शीला, गौतम, विवेक की ज़रूरत है जो अपने चारों तरफ की प्रॉब्लम्स को देखें और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए समझते हैं आखिर इनोवेशन क्या है। इनोवेशन है कुछ नॉवल्टी, कुछ नया क्रिएट करना, एक ऐसी जर्नी पे जाना जहाँ पे आप कुछ ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर कन्वर्टिंग एन आइडिया इंटू ए टैंजिबल वैल्यू फॉर सोसाइटी। एक आइडिया को आप इस तरीके से बना रहे हैं कि वो सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल। इनोवेशन ब्रिंग्स चेंज एंड दैट चेंज लीड्स टू यूजफुल इम्प्लीमेंटेशन।
इनोवेशन और इन्वेंशन के बीच में क्या फर्क है, क्या वो एक से ही है या वो कुछ अलग है, कौन करता है ये? इनोवेशन इज डन बाय पीपल, इट इज इन प्रोसेस, या बिजनेस मॉडल में चेंज? क्या है आखिर ये इनोवेशन? या इनोवेशन और इन्वेंशन को आप देखेंगे कि कई बार लोग एक सा ही समझते हैं, और हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं ये सिर्फ साइंटिफिक तरीके से हो सकता है या साइंटिस्ट ही इनोवेशन और इन्वेंशंस कर सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्कवरी, कुछ खोजना, कुछ ढूंढना। क्या ढूंढना? नॉलेज, कुछ नया इन्वेंट करना। जब क्या नया इन्वेंट करेंगे? इट कुड बी अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू टू द वर्ल्ड आइडिया। बट जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्सटेंशन, एनहैंसमेंट। एक छोटे से एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरे मशीन थी, जब किसी ने पहली बार एक्सरे मशीन डिज़ाइन की तो इट वॉज बेसिकली इन्वेंशन, लेकिन मेडिकल वालों ने उसे मेडिकल एक्सरे के लिए यूज़ किया, बाकी लोग कुछ अलग तरीके से यूज़ करने लगे, वो एक इनोवेशन बना। उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और उसका एप्लीकेशन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, जो सोसाइटी एट लार्ज के बेनिफिट के लिए काम आ रहा है। एक छोटा सा विशेष सर्कल है जिसे हम देखने की कोशिश करेंगे। साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड इट गोज़ टू मार्केट। जब आप कोई प्रोडक्ट की साइंटिफिक डिस्कवरी करते हैं उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती है। एक लेबोरेटरी में या एक शोध करना और उस शोध को अपने पास रख लेना कि हमने एक बहुत नया प्रोडक्ट बनाया है, वो टेक्निकली बहुत अच्छा है। जब वो इन्वेंशन तक पहुंचता है तब भी वो एक मार्केटेबल प्रोडक्ट नहीं है। आपने कुछ नया करने की कोशिश की है, लेकिन वो इनोवेशन कब बनता है? जब आप उस इन्वेंशन को अडेप्ट करते हैं और जब आप उसे मार्केट तक ले जाते हैं, दैट मीन्स आपने उसका कमर्शलाइज किया है, आपने उसे हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया है। और इनोवेशन यही कहता है कि एक अच्छे प्रोडक्ट को कई सारे लोगों के, ज़रूरतमंदों के तक पहुंचाना, ये इनोवेशन है। और कंपोनेंट्स ऑफ इनोवेशन में यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी ज़रूरी है। कई सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, फोन फिंगर्स, सेगवे, बेबी केज, ये सब बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, देवर इन्वेंशंस। आप बताइए, क्या आज आपको फ़ोन यूज़ करने के लिए एक फ़ोन फिंगर की ज़रूरत है? क्या अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में इससे कोई फ़र्क आएगा? नहीं आएगा शायद। लेकिन दूसरी तरफ इन प्रोडक्ट्स को देखिए, लाइक ब्रॉडबैंड, स्मार्टफोन, एमआरआई मशीन्स, यू विल फाइंड देम दैट दे आर सो यूजफुल प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स में कॉन्स्टेंट मॉडिफिकेशन हुए हैं बहुत सारे। एक स्मार्टफोन जब पहले पहली बार आया था और उससे अब जब आज देखते हैं, आप देखेंगे कि कितना कुछ बदल गया है। आज हम फोन के बिना अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकते। एक फ़ोन ने 50-100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दिया है। दिस इज इनोवेशन, दिस इज एडेप्टेशन टू द कंडीशन। ये देखिए फोन, पहले याद एक जमाना था जब वो टेलीफोन हुआ करते थे, उसमें एक रिसीवर होता था, आप उठाते थे, नंबर मिलाते थे, डायल करते थे, लंबा समय लगता था, फोन भारी होता था, बहुत आवाज़ आती थी। उसके बाद छोटे फोन्स आए, कॉर्डलेस फोन्स आए, पैड वाले फोन्स आए, टच फोन्स आए, एंड नाउ वी आर बैक टू लैंडलाइन फोन्स, और उस पर आज फेसबुक, व्हाट्सएप सब चलता है और टच स्क्रीन है। सो आइडियाज गेट इवॉल्व, इनोवेशन हेल्प्स यू टू इवॉल्व। सो ये कहा जाता है कि 3-4% ऑफ द आइडियाज आर ओनली नॉवल और यू नो यूनिक और न्यू टू द वर्ल्ड आइडिया। रेस्ट 96% आइडियाज आर एक्चुअली एनहैंसमेंट, एक्सटेंशन और अ न्यू स्पेशलाइजेशन। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एनहैंसमेंट आप करेंगे मतलब एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आपने और चेंज किया है। एक्सटेंशन मतलब आपने उस, ये तो था ही, आपने कुछ और ऐड कर दिया एंड एक छोटा सा नीश डेवलप किया। चलिए इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। डॉस
ऑपरेटिंग सिस्टम से हम विंडोज iOS कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करने लगे, राइट एक मैकेनिकल वॉच से आज आप स्मार्ट वॉचेस तक आ गए हैं. ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स आप देख पाएंगे. देयर इज चेंज इन मॉडेम्स, जेट इंजिन्स, टीवी देखिए, टीवी की स्क्रीन देखिए, पिक्चर क्वालिटी देखिए, सो मच एनहैंस्ड, हाउ मच चेंज इज हैपेंड, राइट. पीसी देखिए, डेस्कटॉप पीसीज टू टुडे यू आर यूजिंग अ टैबलेट पीसी, सो मच एनहैंसमेंट हैज हैपेंड, राइट. जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं, एक टूथब्रश है, आज टूथब्रश में आपका टूथपेस्ट भी आ रहा है, लेट्स से एक जेल भी आ रहा है, टंग क्लीनर भी आ रहा है, आपने इस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एक्सटेंशन किया, दैट्स ऑल्सो एन इनोवेशन. इनोवेशन क्या है? एक पेन में टॉर्च लाइट आ रही है या मोबाइल फोन में आज एक कैमरा आ रहा है, आई डोंट हैव टू हैव अ सेपरेट कैमरा, कैमरा मोबाइल के साथ ही है. म्यूजिक प्लेयर की मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने मोबाइल में ही म्यूजिक सुन सकती हूँ, राइट. ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स आप रोज अपने चारों तरफ देख रहे हैं और ये आप में से ही किसी ने क्रिएट किए हैं. जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, हम बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, जैसे कि लो कॉस्ट एयरलाइंस. एयरलाइंस बहुत सारी हैं, पर एक एयरलाइंस ने सोचा कि चलिए शुरू करते हैं कम कीमत में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना. ये भी एक इनोवेशन हो सकता है, राइट. एक हॉस्पिटल है, वो सिर्फ मदर और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, या किसी ने स्कूल के बाद फिनिशिंग स्कूल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी. मतलब आप एक कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज लोगों को ऑफर कर रहे हैं. सो ये भी एक तरीका है इनोवेट करने का. चलिए कुछ 10 अलग अलग तरह की इनोवेशंस के बारे में समझते हैं. प्रॉफिट मॉडल, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सोचा लोगों को न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देने का ऑप्शन दिया जाए. थ्रू द एडवर्टीजमेंट दे कम अप विद अ न्यू रेवेन्यू मॉडल फॉर प्रॉफिट, राइट. फोर्ड हैज़ बिल्ड देयर कंपनी बेस्ड ऑन नेटवर्क. मैकडोनल्ड्स ने प्रोसेस को इम्प्रूव किया. गूगल ने अपने स्ट्रक्चर में चेंज किया, वेयर दे अलाउड पीपल टू वर्क 20% फॉर देयर ओन, और तब कई सारे नए प्रोडक्ट्स क्रिएट हुए. गूगल न्यूज वॉज क्रिएटेड बाई एन एम्प्लॉय इन फ्री टाइम. स्पॉटिफाई म्यूजिक, लुक एट द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, हाउ मच ऑल ऑफ अस लव स्पॉटिफाई. उसका म्यूजिक हमें अच्छा लगता है. जो हमें चाहिए, जिस वक्त चाहिए, जैसा म्यूजिक चाहिए, इट्स अवेलेबल, राइट. प्रोडक्ट सिस्टम, एक इकोसिस्टम डेवलप किया है एप्पल ने. आपके पास एप्पल का मैकबुक है, आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, एयर टैग्स हैं, यू आर यूजिंग वेराइटी ऑफ एप्पल प्रोडक्ट, और उन्होंने कंप्लीट इकोसिस्टम बना के अपना प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर किया, सो दैट कस्टमर डज नॉट गो अवे फ्रॉम देम. कंपनीज वर्क ऑन एक्सपीरियंस. आप एक्सपीरियंस के थ्रू भी इनोवेशन कर सकते हैं, जैसे कि अमेजन प्राइम, अमेजिंग सर्विस, राइट. नेस्कैफे ने अपने बहुत सारे चैनल और पार्टनर आउटलेट्स खोले, एंड थ्रू विच वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, राइट. कभी आप कस्टमर मैनेजमेंट कर सकते हैं, कभी आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं. सो इनोवेशन करने के लिए कोई एक तरीका नहीं है, इनोवेशन कई तरीके से किया जा सकता है. सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट एक लार्जर ग्रुप पे हो रहा है. चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. विच इनोवेशन एक्सपैंडेड द ग्लोबल एड्रेसेबल मार्केट फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन द मोस्ट. आपको लग रहा होगा मोबाइल एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, पर क्या मोबाइल के अलावा भी कोई ऐसा इनोवेशन है जिसने मोबाइल कम्युनिकेशन मार्केट को ही बदल दिया? कोई गेसेस? इस पिक्चर को देख के शायद नहीं समझ आ रहा, मैं बताती हूँ. प्रीपेड हैज रिवॉल्यूशनाइज द मार्केट, नॉट जस्ट इन इंडिया, एंटायर साउथ ईस्ट एशिया. प्रीपेड कनेक्शन से लोगों की लाइफ इतनी सिंपल हो गई, कम पैसे में एवरीबडी वॉज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड. लुक एट पेटीएम साउंड बॉक्स, क्या सिंपल सी प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया, राइट. आपने देखा लोग जब एक प्रोडक्ट बनता है तो और उससे कोई प्रॉब्लम आती है तो कई सारी गलत एक्टिविटीज भी शुरू हो जाती है. लोग चीटिंग करने लगे, लोग गलत QR स्क्रीनशॉट दिखा देते थे, पेमेंट किया और पेमेंट नहीं होता था. शॉपकीपर्स एक टाइम पे चेक नहीं कर पाते थे. एक छोटी सी चीज, साउंड बॉक्स, वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट ऑफ 300 रुपीज, प्रॉब्लम सॉल्व. व्हाट्सएप का ब्लू टिक देखा है आपने? छोटा सा टिक है, उससे क्या पता चलता है?
आपको पता चलता है कि सामने वाले के पास मैसेज पहुंच गया है और उसने मैसेज पढ़ लिया है, एंड इट इज सच ए इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इनोवेशन कुछ भी हो सकती है, इनोवेशन हमारे आसपास है, हमें सिर्फ उसे रियलाइज करने की ज़रूरत है। सो वॉट एग्जैक्टली इज इनोवेशन? ये टेक्नोलॉजी के बेस्ड इनोवेशन हो सकती है, जैसे कि इंटेल ने कहा इंटेल इनसाइड, एक लैपटॉप के अंदर एक छोटे से जगह पे आपको इंटेल का चिप स्टिकर लगा हुआ दिखता है और लिखा हुआ होता है, एंड इट इज प्लेइंग अ पावरफुल रोल इन द लाइफ ऑफ अ लैपटॉप। इट कुड बी प्रोसेस इनोवेशन, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हज़ारों प्रोडक्ट्स को मिलकर बनते हैं एंड पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। और लुक एट दिस, आई लव दिस, नारियल पानी पीना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? इट्स सो अनहाइजेनिक, काटना पानी पीना मुझे बहुत मुश्किल लगता था, पर आईडी फ्रेश ने दुनिया बदल दी। दे प्लेड विद द पैकेजिंग एंड पीपल आर विलिंग टू बाय देयर प्रोडक्ट। दैट्स एग्जैक्टली इज इनोवेशन, अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑल अराउंड प्रोडक्ट इनोवेशन। मोबाइल फोन तो क्लासिक एग्जाम्पल है, क्या नहीं कर सकता है आज आपका मोबाइल। लुक एट आइकिया, दे डिड बिजनेस मॉडल इनोवेशन। उन्होंने सिंपली ये कहा कि आप फर्नीचर घर ले जाना चाहते हैं पर खुद नहीं ले जा सकते हैं, हैव डू इट योर सेल्फ फर्नीचर, पूरा सोफा मेरा इस गाड़ी के ऊपर आ गया, अब वो सोफा आप घर लाइए खुद ही असेंबल करके और सोफा इज रेडी, आपको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। दैट्स बिजनेस मॉडल इनोवेशन। प्लस दिस टाइप ऑफ फर्नीचर सेव्स लॉट ऑफ स्पेस, टाइम, यू कैन असेंबल इट, यू कैन डी असेंबल इट। चलिए एक और सवाल पूछती हूँ। आई नो वी आर इन अ कमोडिटी मार्केट वेयर द प्राइस इज की, बट आई बिलीव वी कैन टेल और वी कैन सेल द गुड फॉर 10x प्राइस। एनी वाइल्ड गेसेस? आप में से कोई बता सकता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? जी हाँ, नेस्कैफे, नेस्प्रेसो। एक कॉफी, 1 रुपए की कॉफी 10 रुपए में, और स्टारबक्स का तो कहना ही क्या, दे आर सेलिंग इट। दैट्स इनोवेशन। एक प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट या यूटिलिटी वैल्यू बहुत कम है और वो इतनी प्राइस में बिक रही है। ट्रांजिस्टर्स, दिस मैन वॉज पॉपुलर फॉर हिज टेट्रापैक मशीन्स। He made this machine. He could have sold the machine, but then he chose to sell Tetra Paks. So business model innovation is very important. हम technology, product और process कहीं भी innovation कर सकते हैं, और for that matter services में innovation किया जा सकता है। Yellow एक school bag है, school bag with a table। हमने देखा कि रूरल इंडिया में क्या हो रहा था कि बच्चों के को प्रॉब्लम्स आती थी, वो स्कूल जाते थे लेकिन उनके पास टेबल नहीं होती थी बैठने के लिए, उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि पोस्चर का इशू था। येलो ने एक लो कॉस्ट सॉल्यूशन बनाया, बैग्स बनाया है, येलो कलर भी देख रहे हैं आप, वो सनलाइट से चार्ज होता है, बैग डेस्क में कन्वर्ट हो जाता है, आप उस पर अपनी किताबें रख के अपना काम कर सकते हैं, उसे स्कूल ख़त्म होने के बाद बैग फोल्ड करके घर ले जा सकते हैं, घर पे रात को भी पढ़ाई कर सकते हैं टेबल बना के, और सोलर पावर लगी हुई है जिससे वो बैटरी चार्ज हो जाती है। सो दिस इज सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम। किसी ने देखा, समझा, 21 million चिल्ड्रन वर फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड दे वर नॉट अटेंडिंग द स्कूल। जस्ट इमेजिन, यू नो, इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमंग द कंट्रीज विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑर्थराइट दीज इशूज, and there comes yellow which solve this problem. A bag, you know, very easy to use. आप देख रहे हैं ऐसे फोल्ड होके टेबल बन जाती है, वेरी फ्लेक्सीबल, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव, वेदर प्रूफ, एर्गोनॉमिकली डिजाइंड, इकोनॉमिकल, हर तरीके से। और एक प्रोडक्ट कितनी सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, दिस वॉज अमेजिंग। बल्ब में एलईडी लाइट है, ये देखिए, रात को भी बच्चा अपनी आराम से पढ़ाई कर सकता है, सोलर किट लगा हुआ है जिसे आप चार्ज कर सकते हैं। सो दिस वाज इनिशिएटेड बाय प्रयास। बैग्स को ही देख लीजिए, पहले कैसे छोटे बल्कि बैग्स आया करते थे, उठाने के लिए हमें कूली की ज़रूरत पड़ती थी,
उसके बाद ट्रॉली बैग्स आए, एक व्हील, दो व्हील, स्मार्ट व्हील्स आए, चार व्हील्स वाले आए, इजी टू कैरी, यू डोंट नीड एनी पोर्टर एनी मोर। पानी, कभी आपने सोचा था कि आपको पानी के लिए भी कॉस्ट चुकानी पड़ेगी? पानी के साथ भी इनोवेशन किया जा सकता है। ड्रिंकिंग वाटर वॉज सो मच अबेंडेंटली अवेलेबल। प्रेजेंट पे यू हैव वाटर बॉटल्स, यू पे डिफरेंट प्राइस फॉर दीज बॉटल्स एट डिफरेंट प्लेसेस, और उसमें भी आजकल टॉनिक वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, यू नो, सो मच ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इनोवेशन? इनोवेशन इज ब्रिंगिंग दीज स्मॉल चेंजेस टू मेक लाइफ ईजियर। कौन कर सकता है ये? ये आप जैसे स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और टीचर्स कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द वन हु अंडरस्टैंड वॉट दीज स्मॉल प्रॉब्लम्स आर ऑल अराउंड, और आपसे अच्छा सोल्यूशन कोई नहीं ला सकता। यहाँ देखिए, अगर हम लाइट लगेज की बात करें या एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, इन कंपनियों ने इन छोटी छोटी इनोवेशन से बड़ा बिजनेस तैयार किया। लुक एट टूथब्रश, कितना कुछ बदला है। इनोवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दातुन से इलेक्ट्रिक टूथब्रश तक। 2 रुपए की चीज 2000 तक भी मिल रही है आज। सो मच वेराइटी हैज कम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और वो सब कहाँ से आई है? आपकी मेरी जरूरतों को समझ के, आपकी मेरी प्रॉब्लम्स को समझ के, हम में से ही किसी लोगों ने इन गुड्स और सर्विसेज को इजाद किया है। लुक एट दिस, कंपनीज लाइक ऊबर, फेसबुक, अलीबाबा और एयरबीएनबी, दे हैव बिकम अ बिग ब्रांड्स टुडे, राइट? ऊबर के पास अपनी कोई टैक्सी नहीं है, फेसबुक कोई कंटेंट खुद नहीं बनाता, अलीबाबा कोई प्रोडक्ट खुद नहीं रखता, एयरबीएनबी के पास अपना खुद का होटल नहीं है, बट दे हैव क्रिएटेड बिग प्रोडक्ट्स, बिग ब्रांड्स। सो नेवर से दैट आई डोंट हैव रिसोर्सेज, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। आपके पास आइडिया है, एंड देन एक आइडिया आपकी दुनिया बदल सकता है, आपकी ही नहीं हजारों लोगों की दुनिया बदल सकता है वो एक बेहतरीन आइडिया। थैंक यू सो मच, आई एम श्योर आप सभी कुछ नया करने के लिए तैयार हैं, एंड आप ज़रूर कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।